ये क्वेश्चन को हम कैसे प्रूव करेंगे प्लीज ध्यान दीजिए। एलएचएस जो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एलएचएस के जो डिनोमिनेटर में है 1 प्लस कॉस थीटा, इसके कॉन्जुगेट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा। न्यूमरेटर में भी हमें सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर न्यूमरेटर में देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा विल बी नथिंग बट 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, दैट इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। एंड अब न्यूमरेटर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है, तो इसे हम कुछ अभी नहीं करेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। नाउ 1 स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर डिनोमिनेटर में जो है 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है, तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा विल बिकम साइन थीटा। अब साइन थीटा जो है वो दोनों के लिए, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। व्हाट इज 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू आरएचएस।